सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल mysurgery.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने की सीरीज देख रहे हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे एक प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। यानी हम यूजर से एक ईयर की वैल्यू इनपुट कराएंगे। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक एक्स नाम का वेरिएबल है और यूजर ने कुछ वैल्यू एंटर करी है। अब हो सकता है यूजर ने वैल्यू एंटर करी हो 1980, तो 1980 क्या है? इट इज अ लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर होता क्या है? लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं वो लीप ईयर होता है, और जिसमें केवल 365 डेज होते हैं उसको बोलते हैं नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। Got it. तो ऐसे कौन से ईयर हैं जो लीप ईयर हैं? तो 1980 लीप ईयर है। अगर मैं आपसे पूछूं 2004 तो ये क्या है? ये भी लीप ईयर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2015 क्या है तो ये नॉन लीप ईयर है। तो इसका लॉजिक क्या है? तो लॉजिक देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप देखिए ऐसे कौन से ईयर हैं जो 400 से डिविजिबल है। यानी अगर कोई ईयर 400 से डिविजिबल है तो इसका मतलब एक तो वो सेंचुरी ईयर होगा और साथ में 400 से डिवाइड भी हो रहा है। जैसे ईयर है 2000, तो 2000 एक ऐसा ईयर है जिसको अगर मैं 400 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। यानी वो परफेक्टली डिवाइड होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बोलता हूं 2100, तो क्या ये 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2400 से डिवाइड हो रहा है, 2100 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। 2200 ये भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। 2000 के पहले पड़ा होगा 1900 यानी 1900, ये भी 400 से डिविजिबल नहीं था। तो जो ईयर 400 से डिविजिबल होता है वो लीप ईयर होता है। तो ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और अगला लीप ईयर कब मिलने वाला है? 2400 में। ये बात कर रहा हूँ मैं उन ईयर्स की जिनको हम सेंचुरी ईयर्स भी बोलते हैं, यानी 100 के मल्टीपल्स में जो है। तो 100 के मल्टीपल्स वाले हर ईयर लीप ईयर नहीं होता, 2000 है क्योंकि वो 400 से डिविजिबल है। तो यदि हम चेक करें कि x मॉड्यूलस 400 इक्वल टू 0 है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये ट्रू हो सकता है या फिर ये फॉल्स हो सकता है। मान लेते हैं ट्रू होगा। ट्रू होगा तो हम कह सकते हैं इट इज अ लीप ईयर। लेकिन अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन हो सकता है नंबर हो 2004। अब 2004 भी तो 400 से डिविजिबल नहीं है लेकिन वो तो लीप ईयर है। इसका मतलब अगर कोई ईयर 400 से डिवाइड हो जाता है तो डेफिनेटली वो 2000 जैसा कोई नंबर होगा या 2400 जैसा कोई नंबर होगा, तो वो तो लीप ईयर है। लेकिन अगर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ब्लाइंडली ये मत बोलिए कि वो लीप ईयर नहीं है, बल्कि फर्दर हमें चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है वो सेंचुरी ईयर ही ना हो, जैसे कि 2004 या 1980 या इस तरह के कई सारे ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन चेक करेंगे। यानी अभी 400 से डिवाइड नहीं हुआ है, फॉल्स हो गई ये कंडीशन, तो फिर हमारे पास फिर से कुछ ऑप्शंस हैं। अब हम क्या करते हैं, इस ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या रिमाइंडर जीरो आ रहा है। देखिए जैसे 2004 है या 1980 है, जो भी नॉन सेंचुरी ईयर्स होते हैं, यानी 100 के मल्टीपल्स वाले ईयर को छोड़ दीजिए, तो नॉन सेंचुरी ईयर्स 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर जीरो देते हैं तो वो लीप ईयर है। तो हमने कहा कि यदि x की वैल्यू 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो देती है एंड वो सेंचुरी ईयर नहीं है, क्योंकि ये रूल तभी लागू होगा, तो सेंचुरी ईयर नहीं है मतलब 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये लीप ईयर है, और नहीं फॉल्स तो फिर हम क्या बोलेंगे, नॉन लीप ईयर। अच्छा, आप खुद देखिए कि अगर मैंने एक ईयर एंटर किया 2004, तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को चेक करने वाले हैं क्या होगा इस कंडीशन में। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 2004 400 से डिविजिबल नहीं होता, तो फिर हम फॉल्स में जाएंगे। यहाँ पर फिर एक और कंडीशन है जिसमें लिखा है क्या वो 4 से डिविजिबल है, यस वो 4 से डिविजिबल है। फिर क्या वो 100 का मल्टीपल नहीं है, 100 से डिविजिबल नहीं है, यस वो 100 से डिविजिबल भी नहीं होता है, तो फिर ट्रू हो गया, ये लीप ईयर आ गया। अब ज़रा चेक करिए 2015 को, तो 2015 400 से डिवाइड नहीं होता तो ये फॉल्स हो गया,
फॉल्स हो गया, तो फिर इस कंडीशन को चेक करेंगे 2015, क्योंकि 4 से भी डिवाइड नहीं होता तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी और हम आ जाएंगे नॉन लीप ईयर पे। बिल्कुल सही है। अगर मैं 2000 एंटर करता हूँ तो पहली बार में ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, 400 से डिविजिबल हो जाता है, तो वहीं पर हम प्रिंट कर देंगे नॉन लीप ईयर। तो ये सिंपल सा कोड हो गया, हम इफ एल्स की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ और मैं इसे बनाऊंगा सिंगल लाइन इफ एल्स से। तो ज़रा कोडिंग पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स मेरे देखे हैं पाइथन के तो आपको पता है सिंगल लाइन इफ एल्स क्या और कैसे लिखा जाता है। तो ये कोडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़र से नंबर एंटर करवाना चाहते हैं और नंबर को हम रख लेना चाहते हैं एक्स वेरिएबल में, और नंबर एंटर करवाने के लिए हमें इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनपुट फंक्शन क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है इसलिए हमने उसको कन्वर्ट करवाया है इंट टाइप में। तो एंटर एन ईयर, हमने इस तरीके से मैसेज यूज़र को दे दिया है। अब एक्स के अंदर एक ईयर आ चुका है, हमने एक और वेरिएबल बना लिया रिजल्ट नाम का, जिसमें हम स्टोर करवाएंगे स्ट्रिंग। कौन सी स्ट्रिंग? या तो स्ट्रिंग होगी लीप ईयर या स्ट्रिंग होगी नॉन लीप ईयर, डिपेंडिंग कि यूज़र ने जो वैल्यू एंटर करी है, जो एक्स में रखी है, वो लीप ईयर है या नहीं है। तो देखिए मैं स्टेटमेंट कैसे लिख रहा हूँ, यही इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। मैंने सबसे पहले लिखा लीप ईयर। मैं यहाँ पर आपको सिंगल लाइन इफ एल्स का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो हमने देखा इफ कंडीशन है, अगर एक्स डिवाइड हो जाता है 400 से और रिमाइंडर आ जाता है 0, एल्स में हम नेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि इसमें फिर से हमें कंडीशन चेक करनी है। तो हम इसमें लिखते हैं अगेन लीप ईयर इफ एक्स मॉड्यूलस 4 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स मॉड्यूलस 100 नॉट इक्वल टू 0, जो अभी मैंने लॉजिक आपको समझाया, एल्स नॉन लीप ईयर। ओके, नॉन लीप ईयर, दैट्स इट। यस, ये हमारा कोड बनके तैयार हो चुका है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इस रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो हमने लिखा प्रिंट और यहाँ लिख देते हैं रिजल्ट। देखिए कोड हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब बस मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। ये मैंने रन कर दिया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ईयर एंटर करो। जैसे मैंने एंटर किया 2000, तो 2000 एक लीप ईयर है इसलिए आंसर आ गया लीप ईयर। चलिए एक बार और इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। ये मैंने फिर से रन किया है। अब देखिए मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 2004, जो कि एक लीप ईयर है। यस, ये लीप ईयर आ रहा है। एक बार और हम इसको रन करते हैं। देखिए मैंने फिर से रन किया है और अब की बार मैं एंटर करता हूँ 2015, तो ये लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर। चलिए एक बार और मैं एंटर करता हूँ, देखिए फिर से रन किया मैंने। एक बार और मैं एंटर कर रहा हूँ, जैसे मैंने नंबर एंटर कर दिया है 1900, जो कि सेंचुरी ईयर तो है पर लीप ईयर नहीं है, तो नॉन लीप ईयर इसका आंसर आ रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको प्रोग्राम इंटरेस्टिंग लग रहा है, मज़ा आ रहा है इसमें, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए। लोगों को भी बताइए कि इस तरह का एक चैनल है जहाँ पर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड स्टफ़ सीखने को मिलता है। इसके अलावा पाइथन का पूरा कोर्स कहाँ मिलेगा, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको चेक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय।